वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। भारत में मुगलों के वंशजों का हाल ये है, लेकिन इतिहास की किताबों में उन मुगलों को ऐसे महिमामंडित किया गया है जैसे भारत के स्वर्णिम काल के लिए यही जिम्मेदार थे। गधों पर बैठकर भारत को लूटने आए इन आक्रांताओं को भारत के लंपट इतिहासकारों ने ऐसे हीरो बनाया कि पूछिए मत। लेकिन अब देश बदल रहा है और इसलिए ये इतिहास भी बदलेगा जो भारत की गुलामी के काल को स्वर्णिम काल बताता है। यह ऐलान भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने कर दिया है कि भारत अब झुकेगा नहीं, दुनिया को झुकाएगा और बताएगा वो सच जिसे अंग्रेजों ने दबाया, छिपाया और आक्रांताओं, लुटेरों और बर्बर मुगलों को महिमामंडित किया। भारत के इतिहास को ऐसे लिखा गया जिसमें भारतीय शूरवीरों से ज्यादा बर्बर लुटेरे मुगलों का महिमामंडन है। भारत के इतिहास में न तो भारतीय विरासत को सही जगह मिली, न भारत की असल संस्कृति को। इसलिए भारत क्या था, कैसे एक वक्त में विश्वगुरु था, ये आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है। लेकिन अब अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बाद भारत के इतिहास की किताबें पूरी तरह से बदल जाएंगी और इन किताबों में आक्रांताओं की बजाय भारत के उन राजाओं और महापुरुषों का जिक्र होगा जिन्होंने दुनिया के सामने मिसालें पेश की। अब युवा पीढ़ी को ये भी पता चलेगा कि मुगलों से पहले भी भारत में वीर और पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने दुनिया के एक बड़े भूभाग पर शासन किया है और इस असल इतिहास के लेखन का काम शुरू भी हो चुका है। दरअसल भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अब भारत का असल इतिहास लिखा जाएगा और कोई मायकालाल ऐसा करने से भारत को रोक नहीं सकता। अब झूठे इतिहास की किताबों को कूड़े के ढेर में फेंकने का वक्त आ गया है और इतिहास के उन अध्यायों को जगजाहिर करने का समय है जो भारत की असल पहचान है। अमित शाह ने इतिहास को गलत तरीके से लिखने पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि देश के प्रबुद्ध इतिहासकारों से अपील है कि वो मौजूदा समय में पुरातन कीर्ति को पुनर्जीवित करें। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, मगर अधिकांश इतिहासकारों ने मुगलों को ही इतिहास में प्रमुखता से जगह दी है। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई महान साम्राज्यों जैसे पांड्य, चोल, मौर्य, गुप्त और अहोम आदि के शौर्य की अनदेखी की है। चूंकि भारत फिर से दुनिया के समक्ष गौरव के साथ खड़ा है, अब भारत की कीर्ति को मान्यता मिली है। हमारे कई साम्राज्य हुए हैं, लेकिन इतिहासकारों ने केवल मुगलों पर ही ध्यान दिया और ज़्यादातर समय केवल वे उनके बारे में ही लिखा। मेवाड़ के सिसोदिया 1000 साल तक आक्रमणकारियों से बिना रुके लड़ते रहे। भारत में पांड्य शासन 800 साल तक रहा। अहोम राजाओं ने असम पर 650 साल तक राज किया। अहोम राजाओं ने आक्रांता बख्तियार खिलजी औरंगजेब तक को हराया और उन्हें असम की संप्रभुता से दूर रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल रहा। चोल राजाओं ने 600 साल तक शासन किया। मौर्य शासन ने अफगानिस्तान से लंका तक यानी पूरे भारत पर 550 साल और गुप्त साम्राज्य ने 400 सालों तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के यशस्वी राजा समुद्रगुप्त ने पहली बार संयुक्त भारत की संकल्पना की थी और इस दिशा में पूरे साम्राज्य को बतौर एक देश स्थापित किया था। हालांकि इतिहास की किताबों में इसका कोई उल्लेख तक नहीं है। गृहमंत्री ने आगे कहा कि साम्राज्यों पर कोई संदर्भ पुस्तक नहीं है, इन साम्राज्यों पर संदर्भ पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। अगर इन्हें लिखा जाता है तो जिसे हम इतिहास मानते हैं वह धुंधला पड़ता जाएगा और सच सबके सामने आएगा। इसके लिए बहुत से लोगों को काम शुरू करने की ज़रूरत है। शाह आगे ललकारते हुए कहते हैं, इतिहास किसी की जीत हार पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे उन घटनाओं के नतीजों के आधार पर आंकना चाहिए। इतिहास सरकारों और किताबों के आधार पर नहीं गढ़ा जाता है, जबकि लिखने से कोई रोक नहीं सकता। हम अब आज़ाद हैं और अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं। जब स्वतंत्र इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तब केवल सत्य सामने आता है। इसलिए हमारे लोगों को तथ्यों पर आधारित किताबें लिखनी चाहिए जिसमें कोई टीका टिप्पणी न हो। जाहिर है अब शाह के इशारे के बाद भारत के असल इतिहास की किताबों पर काम शुरू होगा और देश की युवा पीढ़ी उन तथ्यों को जान पाएगी जो भारत के स्वर्णिम काल की गवाह रही है। मुगलों को हीरो बनाने वाले इतिहासकारों की अब छुट्टी तय है और उनके एजेंडे वाले इतिहास की भी। जिन मुगलों ने भारत को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किए, वो हमारे लिए हीरो कैसे हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।